किसान साथियों, मैं कलकत्ता वेस्ट बंगाल जिया नर्सरी से बात कर रहा हूँ। आज जो आपको बताएंगे, हमारा जो रेड डायमंड जो अमरूद है उसका आज हम ग्राफ्टिन बना रहा हूँ। आज आपको दिखा रहा हूँ, आप देखिए ये जो भाई साहब है क्या इसे बनाते हैं ग्राफ्टिन। देखिए एक बार कितना अच्छी तरीके से ये लोग ग्राफ्टिन बनाते हैं, ठीक है। और ये जो मेरा हाथ में अभी पौधा है, आपको लोग दिखा रहा हूँ, ये जो पौधा है ये बीज से तैयार हुआ पौधा है और इसके ऊपर हम ग्राफ्टिन बनाएंगे। आप देखिए ये सूरा का माध्यम से ये ग्राफ्टिन बना रहे हैं। अब देखिए ये जो इसका जो बीजू वाला पौधा काट लिया है, उसके बाद सूरा से अच्छी तरीके से काट के जो वाइट कलर का जो पेपर है उसी का माध्यम से ग्राफ्टिन बनाएगा। अब देखिए इसके अंदर ऐसे डाल देता है, उसके बाद जो वाइट कलर का जो पेपर है, अब देखिए ऐसी तरीके से ग्राफ्टिन बनाते हैं। पूरा प्रोसेस आज आपको दिखाएंगे वीडियो में, पूरा अंत तक बने रहिए। और या फिर आप लोग देखिए ये सारे के सारा ग्राफ्टिन हो चुका है। और ये जो प्लान आपको दिखा रहा हूँ, इस प्लान अभी एक महीने या आपका दो महीने के बाद हम इसको इधर से हम काटिंग करेंगे, ठीक है। काटिंग करने के बाद प्लांट जब तैयार हो जाएगा उसके बाद हम सेलिंग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कितना ज़्यादा यहाँ पर हमारा ग्राफ्टिन करा हुआ है। और ये जो बाकी जो प्लांट है इसमें भी हम ग्राफ्टिन करेंगे। ये जो भाई साहब है कितना अच्छी तरीके से ग्राफ्टिन बनाते हैं, आप एक बार देखिए, ठीक है। और इनका काम का एक बार स्पीड देखिए, बहुत ही फास्ट है। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छी तरीके से इन लोग ग्राफ्टिन करते हैं, ओके। और ये जो प्लांट आपको दिखा रहा हूँ, रेड डायमंड जापानीज गोबा, इस प्लांट को उम्र है अभी एक साल, ओके। हम पहले भी इससे ग्राफ्टिन बना लिया, उसके बाद ये हम दूसरे बार ग्राफ्टिन बना रहा हूँ, ठीक है। और रेड डायमंड का अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड आप लोग जानते हैं। उसके बाद भी हमारा पास अभी प्लान अभी तैयार हो रहा है, आप देखिए, ठीक है। और इधर भी हमारा चीकू का भी प्लांट है पास में, आप लोग देख सकते हैं, इसका भी हम ग्राफ्टिन बनाएंगे। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छी तरीके से ग्राफ्टिन बनाते हैं। ये दिन में मिनिमम आपका 300 से 350 ऐसे ग्राफ्टिन बना लेती है, ओके। और काम का एक बार स्पीड देखिए, ठीक है। और ये पूरा ओरिजिनल वैरायटी का रेड डायमंड गुआवा है, क्योंकि मार्केट में जितना सारा गुआवा है सबसे अलग पत्ती इसमें होती है। आप लोग देखिए इसका पत्ता कितना बड़ा होता है, देखिए मेरा एक हाथ का बराबर है इसका पत्ता। और इसका जो खासियत है रेड डायमंड का, इसका अंदर बीज थोड़ा कम रहती है और ये खाने के लिए बहुत ही स्वादिष्ट और जेली जैसे नरमी होती है, ओके। आप लोग देखिए इसमें भी जो आपको दिखा रहा हूँ पूरा की पूरा ग्राफ्टिन या फिर बना लिया हमने। आप देखिए कितना अच्छी तरीके से ग्राफ्टिन पूरा बना लिया है। और ये जो प्लांट है अभी तैयार होने में आपका 2 महीने वेट करना पड़ेगा। और इसमें हम अभी ज़्यादा करके पानी देंगे, ठीक है। और इसका जो फ्रूट का जो क्वालिटी है बहुत अच्छे होते हैं, रेड डायमंड जापानीज गुआवा का जो फ्रूट है, ठीक है। और हमारा जो प्लांट है ये सारे के सारा एक साल का प्लांट है। और इसी प्लांट में हमारा फ्रूट लेने का भी मकसद नहीं, हमारा जो है या फिर हमने बेड ग्राफ्टिन बनाते, आप देखिए या फिर पूरा के पूरा हमने ग्राफ्टिन बनाते हुए, इसीलिए हमारा प्लांट में फ्रूट नहीं आते। देखिए ये जो छोटा फूल है, अगर हम ग्राफ्टिन नहीं बनाते तो इसमें अभी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, ओके। किसान साथियों इसका जो प्लांट है आप देख सकते हैं, हमारा रेड डायमंड अभी बहुत सारा स्टॉक में है, उसके बाद भी हम अभी ग्राफ्टिन बना रहे हूँ। अगर कोई किसान साथी को चाहिए इसका प्लांट, जो ओरिजिनल प्लांट, हमारे साथ कांटेक्ट करिए, आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना एक छोटा सा वीडियो, थैंक यू।